ये देखो 4 रुपए के नीचे चले गया है। एक कीड़े की वजह से मुझे सारे कपड़े धोने पड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल गरिमा पहाड़ी ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी जो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से, और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच पे, मतलब आज ना हम ब्रेकफास्ट नहीं बना रहे, हस्बैंड ना थोड़ा लेट जाने वाले हैं ऑफिस, तो मैंने सोचा कि आज मैं डायरेक्ट लंच ही बना देती हूँ, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाती नहीं हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और तो आज मैं बनाने वाली हूँ लंच पे काले चने के डुबके। तो इन्हें मैंने थोड़ा सा पहले फ्राई कर लिया था, तो अभी मैंने इसमें पानी ऐड करके मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ बहुत धीमी आंच में। और इसमें रखा हुआ है चावल। जब सुबह मॉर्निंग में ही 8 बजे दूध आ जाता है, वैसे मैं मॉर्निंग में ही 8 बजे दूध आता है, तो मैं 8:30-9 बजे तक दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फटे ना करके तो मैं डायरेक्ट ही दूध गर्म कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे टाइम नहीं है तो मुझे आधा या 1 घंटे बाद मैं दूध गर्म करती हूँ। तो फिलहाल आज ना मैं मॉर्निंग से इतना परेशान हो रही हूँ बहुत ज्यादा। आज मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो क्योंकि हस्बैंड को भी लेट ऑफिस जाना था, तो मैंने सोचा कि आज मैं वैदु का जो बकेट था मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ सारे कपड़े निकाल के। तो वैसे मैं पुचकू के जो है सारे कपड़े क्लीन करके ही बकेट में रखती हूँ, लेकिन मैं हर हफ्ते जो है एक एक कपड़ा निकाल के मतलब ऐसी अच्छे से रखती हूँ, ताकि उसमें कोई और कपड़े मिक्स ना हो, हमारे कपड़े या कोई भी कपड़े मिक्स ना हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं सुबह एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े निकाल, मैं दूध को भी देखते रहे कि दूध उबाल आ जाए, मैंने वीडियो बनाते बनाते। तो मैंने सोचा कि सारे मैंने कपड़े निकाले, तो उसमें कितना बड़ा कीड़ा निकला। मैंने सोचा कि पूरे शायद कपड़ों में है नहीं है, तो मैंने सारे कपड़े निकाले पहले, और फिर अच्छे से मतलब देखा दूखा, फिर मैंने सोचा यार इसमें क्या पता इसके बच्चे हो गए। तो मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धो दिया आज, वॉशिंग मशीन की सुविधा थी तो सारे कपड़े धोना पॉसिबल हुआ। फिलहाल तो आज मेरी दोनों बालकनी कपड़ों से भरी है, और रूम में भी सारे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, फिलहाल तो मेरा दूध भी उबल रहा है, फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी चारपाई में मैंने कपड़े कपड़े फैला दिए आज, क्योंकि मैंने उसके ना सारे कपड़े धो दिए, क्योंकि मैं हमेशा जो है पुष्कू के सारे कपड़े क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी यह है कि बाहर बालकनी में शायद कहीं से उड़ के उसके कपड़ों में आ गया होगा, तो वो कपड़े वैसे मैं छटक के बाहर अंदर ही लाती हूँ, लेकिन पता नहीं शायद वो मुझे दिखा नहीं, वो गलती से अंदर कपड़ों में ही आ गया। तो एक कीड़े की वजह से मुझे सारे कपड़े धोने पड़े थे, और यहाँ भी कपड़े धोए हैं, यहाँ भी मेरे पूरे चेयर में कपड़े ही कपड़े डाले हुए हैं, यहाँ भी देख दोनों चेयरें मेरी कपड़ों से ही भरी हुई है, और चारपाई भी। और अभी बालकनी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं पूरी बालकनी भी भरी हुई है ये। हाँ चारपाई के नीचे चले जाओ। मैंने वैतु को इस गद्दी पे सुलाया था और वो कहाँ सो गया, देखो चारपाई के नीचे, ये देखो अब खिसकने लग गया, चारपाई के नीचे ही चले गया। वैतु इधर आओ, ये देखो चारपाई के नीचे चले गया है, क्यों गया वो फिर चारपाई के नीचे। तो दोस्तों आज वैतु को जो है 6th से 7th मंथ लग चुके हैं, और मैंने आज जो थीम बनाई है फोटोशूट की, वो मैंने मानसून से रिलेटेड बनाई है, क्योंकि मानसून चल रहा है आजकल, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैंने मॉर्निंग से ही, मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है डेली यहाँ, तो वैदु भी खुश है आप देख सकते हैं। क्या हुआ बेटू, हाथ नहीं है अब चूसने के लिए, पैर ही बचे हुए हैं बस अब। वाह वाह वाह, क्या कर रहे हो, कित मीठा हो रहा है भी गाना। मेरा भाई ने सब कुछ छोड़ा, प्रभु से नाता जोड़ा, उन्हें पति मान के ऐसी लगन लगाई भगवान से। गाओ अच्छा, ऐसी लगन लगाई भगवान, विश्व का प्याला राणा जी ने भेजा, विश्व का प्याला राणा जी ने भेजा, ओ हो मेरा पिए
आहा मेरा पिए अमृत का प्याला मान के, ऐसी लगन लगाई भगवान से। चुप नहीं होता, मैं भजन गा रही, आप भी गाओ ना। अच्छा आप भी गाओगे भजन, आप भी गाओगे भजन, गाओगे गाओ फिर गाओ फिर नहीं गाना है, गाओ फिर गाओगे फिर, ठीक है। मीरा बाई ने सब कुछ छोड़ा, प्रभु से नाता जोड़ा।